नमस्कार दोस्तों, ये जो वीडियो है ये HDFC AMC OFS का एक अपडेट वीडियो है, क्योंकि इससे पहले मैं HDFC AMC OFS के बारे में और एक वीडियो बना चुका हूँ, जो कि आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। उसमें मैं पूरे डिटेल में OFS के बारे में बताया था। आज हम पूरे डिटेल में नहीं जाएंगे, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि HDFC AMC पूरे दिन में उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा और कल जो रिटेल के लिए खुल रहा है कैसे एक रिटेल इन्वेस्टर अपना अलॉटमेंट का चांसेस बढ़ा सकता है, इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि ये HDFC AMC किस प्राइस में ओपन हुआ था और कहाँ तक ये क्लोज हुआ है। रहा जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात किया था कि ये शेयर आज के दिन लो प्राइस पे ओपन हो सकता है, ओपन होने के बाद उसमें रिकवरी आ सकता है, लास्ट वीडियो में हमने बोला था। और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये मार्केट जब खुला तो ये शेयर 3340 प्राइस के ऊपर ओपन हुआ और वहाँ से एक रिकवरी आई, रिकवरी ये शेयर को 3320 और 22 तक लेकर गई। और पूरे दिन में आप देखेंगे तो ज़्यादा मूवमेंट नहीं आई, 3 बजे के बाद इसमें एक डाउनफॉल आया, जो कि शेयर 3284.40 प्राइस के ऊपर क्लोज दिया है। मुझे लगता है कि कल के ओवरहैंग हटने के बाद ये शेयर में रिकवरी आएगी और शेयर काफ़ी अच्छा रिकवरी दे सकता है। तो ये तो था आज के मोमेंट कैसा रहा इस शेयर के ऊपर। आइए मैं डायरेक्टली आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आपको NSE साइट में ले चलता हूँ। उधर हम देखेंगे कि ये शेयर जो बीड हुआ है वो कितने प्राइस पे लोगों ने आज बीड किया है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए निकाला है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये डेट आप 4 दिसंबर 2019, ये आज का डाटा है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो OFS आया था उसका फ्लोर प्राइस था 3170, यहाँ पे ये फ्लोर प्राइस है। ये फ्लोर प्राइस के ऊपर टोटल नंबर ऑफ बीड्स हुआ है 74, जो कि क्वांटिटी है 44,895 शेयर लोगों ने बीड किया है। और ऐसे जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो प्राइस आप देख सकते हैं ये इंक्रीज हो रहा है, जो कि हाईएस्ट प्राइस पे बीड हुआ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं 3325 पे एक लॉट बीड हुआ है, जहाँ पे 61 शेयर का बीड हुआ है। यहाँ पे ये जो प्राइस आज का क्लोजिंग प्राइस है, यहाँ से काफ़ी नीचे क्लोज हुआ है। जो प्राइस फ्लोर प्राइस था उसके ऊपर अगर आप बीड करते हैं तो आपको मिलने का चांसेस बनता है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। आइए अब NSE के डाटा के ऊपर चलते हैं, जो कि पास्ट का OFS हुआ है उसमें फ्लोर प्राइस कितना था और कितने प्राइस पे अलॉटमेंट हुआ है, आइए देखते हैं। ये कुछ लिस्ट है आप देख सकते हैं, जहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं ये सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड यानी कि CDSL, जिसका एक रिसेंटली OFS आया था 29 नवंबर 2019 को, यहाँ पे फ्लोर प्राइस रखा गया था 205। और ये देख सकते हैं कितने प्राइस में अलॉटमेंट हुआ है, यहाँ पे लगभग 224.75 के रुपीज़ पे अलॉटमेंट हुआ है। और उसके बाद राइट का भी आप देख सकते हैं, राइट का जो फ्लोर प्राइस था 293, अलॉटमेंट हुआ है 293.50। और उसके बाद SBI लाइफ, मतलब SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यहाँ पे जो फ्लोर प्राइस रखा गया था 770, लेकिन अलॉटमेंट हुआ है 783 पे। यहाँ पे आप ये सब शेयर को देखेंगे तो आप देखेंगे, एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पे जो प्राइस में अलॉटमेंट हुआ है वो प्राइस फ्लोर प्राइस के ऊपर है या फिर उसके आसपास है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप जब अप्लाई कर रहे हो, अगर आप प्राइस थोड़ा ऊपर रखते हैं तो आपके लिए एडवांटेज है, क्योंकि आपको मिलने का चांसेस ज़्यादा बनता है। अगर आप फ्लोर प्राइस के ऊपर अप्लाई करते हैं, जहाँ पे सब्सक्रिप्शन 2 गुना 3 गुना 4 गुना होता है, वो टाइम में आपको मिलने का चांसेस बहुत मिनिमाइज होता है। इसलिए मेरा सजेशन ये है कि आप अगर अप्लाई करते हैं तो थोड़ा ऊपर के प्राइस पर अप्लाई करिए, ताकि आपका मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा बन सकता है। ये तो था एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, मैं आपको बताया कि कैसे आप अपना अलॉटमेंट के चांसेस को इंक्रीज कर सकते हैं। ये जो वीडियो में हमने बताया वो केवल इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए था। मैं यहाँ पे रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप इस शेयर को बाय करें या सेल करें, आप इसका डिसीजन खुद ले सकते हैं या फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह पर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।